हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिकाज ग्रीन चिली। आज हम बना रहे हैं चिली पनीर। एक चम्मच मैदा, एक चम्मच कॉर्नफ्लावर, इसमें डालूंगी थोड़ा सा कलर, रेड कलर। ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालो, नहीं तो नहीं। डालूंगी थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैंने पीस रखा है अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, इसको मैं एक चम्मच डालूंगी इसमें। और थोड़ा सा पानी लेके इसकी स्लरी बना लेंगे हम। हमें ऐसे रखना जैसे हम पकौड़े का घोल बनाते हैं वैसा। ये मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है और इसमें डाल दूंगी। हमें इसे गोल्डन नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई कर लेना है। मैं इसमें करूंगी सारा। अब इसे हमें ऐसे भून बना लेना है, ना हमें इसे ज्यादा फ्राई करना है, बस हल्का सा इसको हमें फ्राई करना है। बस इसे निकाल लूंगी मैं। अब इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ले लिए ऑयल में, अब डालूंगी अदरक, मैं थोड़ी सी एक चॉप करी हुई प्याज, मैंने शिमला मिर्च ली है क्यूब में, इसे हमें थोड़ा सा भून लेना है। टमाटो सॉस, 2 चम्मच टमाटो सॉस और 1 ढक्कन में सोया सॉस का। थोड़ी सी चिली सॉस, चिली सॉस आप अपने अकॉर्डिंगली डालें। अब इस तीनों को हम मिला देंगे। इस सॉस में मैं पानी डालूंगी, मैंने 1 कप पानी डाला है, बाकी हम पानी उसमें डालेंगे। अभी सॉस जो है वो मैं इसमें, अच्छे से बॉईल होने देंगे। और बॉईल होने के बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर, 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर पानी में मिला के हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे। 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेके वो स्लरी बना ली थी वो हम डालेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा करके बस। अब इसमें डालूंगी मैं पनीर, जो हमने पनीर फ्राई करे थे, इसे मिला लेंगे। हमारा ये चीज़ चिली रेडी है, अब इसे हम सर्व करेंगे। चिली रेडी है, अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं हरी प्याज सर्व करूंगी। Oh, it's ready to serve.